नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और ये समय है यमुनानगर की कुछ खबरों का। नशीला पदार्थ पिलाकर युवक के साथ हुई लूटपाट। यमुनानगर के एक युवक ने अपने एटीएम से पैसे निकाले और अस्पताल में अपने रिश्तेदार से मिलने आया। यहां पर दो युवकों ने उसे बातों में लगाकर उसका विश्वास जीत लिया। युवक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर 20,000 रुपए और 2 मोबाइल की लूट की। होश आने पर युवक ने पुलिस को लूट की शिकायत दी। पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में आजकल चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा ही हुआ यमुनानगर के रादौर रोड पर डॉक्टरों की दुकान पर दवाई लेने आए व्यक्ति की जेब काट कर युवक मोबाइल लेकर उड़ गए। पुलिस ने अज्ञात युवक पर केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। विश्वकर्मा मोहल्ला निवासी कृपाल सिंह ने बताया कि वह फ्रिज रिपेयर का काम करता है। शनिवार को सुबह करीब 11:50 पर वह दवाई लेने के लिए रादौर रोड पर डॉक्टरों की दुकान पर गया था। जब वह दवाई ले रहा था तो उसकी कमीज की बाईं जेब से अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल निकाल लिया था। शहर में स्मैक बेचने के लिए आया युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड पुलिस को दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस उससे स्मैक की आवक व उसके अन्य विक्रेताओं के बारे में पूछताछ करेगी। आरोपी से पकड़ी गई स्मैक जिला यमुनानगर की अब तक की सबसे ज्यादा मात्रा की पकड़ी गई स्मैक है। इस स्मैक की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ से बड़ा खुलासा हो सकता है। शिक्षा मंत्री कंवल पाल व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने सडोरा गांव, ताहरपुर खुर्द व जगाधरी के गांव नगावा जगीर में 28 लाख रुपए की लागत से 2 पार्क व व्यायाम शालाओं का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडर्न कॉलोनी के छात्र कुबेर व विकास तथा गुरु नानक खालसा कॉलेज के छात्र अरशद ने योग के कई आसन दिखाए। यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने लापरा गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन ऑनलाइन किया। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण में 36 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हमारी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा के प्रत्येक गाँव में कम से कम 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां 2 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। यह निरंतर चलने वाले कार्य हैं जो हमेशा ही चलते रहेंगे। ये थी अब तक यमुनानगर की कुछ खास खबरें। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।